नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के स्थित SRS पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने आज जैनपुर कोतवाली लाड़खड़ चौकी मोहल्ला चौकी पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों को राखी बांधी और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। जवानों ने भी बहनों के साथ देश की रक्षा का उन्हें वचन दिया। विद्यालय में रक्षाबंधन पर्व को लेकर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मौके पर मैनेजर अभिषेक सिंह ने कहा कि छात्राओं को आत्मनिर्भरता व निडरता का पढ़ाया पाठ, स्वतंत्र रूप से अपने पथ पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ने और अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रिंसिपल राजकुमार गुप्ता, वाइस प्रिंसिपल मंजूराज सिंह, एकेडमिक इंचार्ज रोहित पांडे, आर्डिनेटर विवेक भारद्वाज, शिक्षक में सुरेश सिंह, प्रीति सिंह व अन्य शिक्षक उपस्थित थे। वहीं छात्राओं में जाह्नवी, उजाला, आकृति, सृष्टि यादव, आयुष, प्रतीति, अवनी, माही, पल्लवी, जया, नव्या और अन्य छात्राओं भी उपस्थित रही। सर, आपका परिचय? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता, मैं AR पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। आपके स्कूल में आज रक्षाबंधन का कार्यक्रम करवाया गया, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हमारे स्कूल में जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम कराया गया है, इसके लिए हमने अपने बच्चों को कोतवाली जेल में भेजा था, जहाँ पे पुलिस कर्मी लोग हैं और वे घर से दूर हैं, वे अपने बालों के पास नहीं पहुँच सकते हैं। हमने अपने बच्चों को बेचक के ऊपर राखी करवाया है, जिससे उन्हें अपनी उस कमी का एहसास हुआ और इसके बाद फिर हम वहाँ से लाभार्थी सभी के अपने बच्चों को भेजे। बच्चियों ने वहाँ पर भी राखी बांधा, बहुत ही उत्साह के साथ पुलिसकर्मियों ने इसमें सराहते दिखाया। फिर इसके बाद हम अपने स्कूल में इंटर हाउस बोर्ड कॉम्पिटिशन करवाया रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। बच्चों ने बहुत चौधरी हिस्सा लिया है, जिसका डिस्प्ले किया गया है कोविड में और इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। हम हर कार्य क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में और बच्चों के कोकरिकुलर में बहुत ही अच्छा संतोषजनक काम कर रहे हैं। मैम, आपका परिचय? आई एम मंजू सिंह, वाइस प्रिंसिपल ऑफ AR पब्लिक स्कूल। आपके विद्यालय में आज किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया? In our school, we have celebrated free Rakhi celebrations of patients by tying the Rakhi to the police inspectors and officers of Jainpur and Lalkam. Our children were so excited and we were all motivated by those activities that children has taken place today. In police stations, all the inspectors and officers were all blent with warmth, with pride, and they're all helpful to be successful in this Rakhi celebration, to make this occasion successful, because all the officers were far away from their houses, missing their sisters, but our ARS public school students have completed those emptiness on before them. And also after coming back, our children have participated in inter-school house boat decoration competitions and they all have worked hard to complete and make this occasion successful. Anyone can tie a Rakhi to anyone if they think that they are the siblings of each other. So in this school, we always treat and teach the students through educations and through curriculum activities how they should behave with the children, with each other, whether it is a mother of a different child or mother from the same family. So in our school, we always make our children understand what is the importance of humanity, how to value the humans and how to give respect to the elders. In this school, we always keep on helping them by making them understand and learn. Even the junior section classes, nursery, LKG and UKG has also participated in this Rakhi competition and they also, the small kids have also tied their Rakhi to their junior kids and as a brother, and even they have given their sweets and toffees to each of them.
So I, as a vice principal of ARS school, feeling very proud, and this is a very proud moment for me to see these children helping each other as a brother and sister. Thank you.